बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर वेलविशर सैफ रहमान का सलाम। आज आपसे अच्छी गुड मॉर्निंग हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस असिस्टेंट की 102 सीट्स आ गई हैं, जिनका मैं इंतज़ार था। उनमें 77 ओपन मेरिट की हैं, 18 फीमेल की हैं, डिसेबल की 5 है, माइनॉरिटीज़ की 2 है। तो माय डियर वेलविशर, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेजुएट्स एंड वन हु इज़ ओवर ग्रेजुएट एंड कैरिंग एज 30 and 33। तो प्लीज़ अवेल दिस चांस। ये तो इसी तरह है ना कि कुछ दुआएं कबूल हो जाती हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह लेक्चरर की सीट्स भी आएंगी एक दिन, जो कि आप समझते हैं कि नहीं आनी, वो भी आएंगी। एसएस की भी आएंगी, एचएम की भी आएंगी, बहुत सारी अच्छी सीटें जिनका आपको इंतज़ार है। तो मैं आपको एक शेर सुनाया करता हूँ कि मेरे महबूब ने वादा किया है पांचवें दिन का, मेरे महबूब ने वादा किया है पांचवें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो पहले ये पीपीएससी महबूब की तरह ही वादा किया करता था, लेकिन अब ये वादा ऐसा नहीं है, अब वादे पूरे हो रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी सीट्स आनी हैं और भी आएंगी, तो आप बस अपनी तैयारी पकड़ें, तैयारी करें। इससे बड़ा चांस बहुत कम नसीब में मिलता है। सीटें भी बहुत हैं, 102 बहुत सीटें हैं फीमेल की, बल्कि मौजें हैं कि ओपन में भी एंजॉय करेंगी और ओपन में भी करेंगी। तो जो ब्रिलियंट फीमेल हैं, दे शुड आल्सो डू इट। तो माय डियर वेलविशर, इसमें सब इंजीनियर सिविल की भी ज़बरदस्त 174 सीट्स हैं, वो डिवीजन वाइज हैं। बीपीएस 14 बहुत अच्छी पोस्ट है, 8-10 सालों तक एसटीयू बन जाते हैं। तो मेरे वेल विशर बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि इसके लिए अप्लाई करें। बाकी कुछ चीज़ें जो तल्लक रखती हैं रिसेंट पास से, जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ, उनमें आप अक्सर पूछते रहते हैं कि ये तहसीलदार की कब पेपर होंगे। तो तहसीलदार के पेपर माय डियर वेलविशर यही अक्टूबर और नवंबर में ही होंगे, और पीएमएस के भी नवंबर में हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर नवंबर में नहीं होते और दिसंबर में भी नहीं होते तो बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा फिर पीएमएस में। पीएमएस फिर 2 साल पीछे चले जाएगा, और फिर एज रिलैक्सेशन के इश्यूज भी बनते रहेंगे और लोगों के डिमांड भी आते रहेंगे, इस तरह बहुत सारी खराबियां पैदा होंगी। तो माय डियर वेलविशर, अब अगली ऐड जो है उसमें डिप्टी अकाउंटेंट की भी इंशाल्लाह फिनांस की भी सीटें आ रही हैं, वो भी बहुत अच्छी सीटें हैं, आप उसके लिए भी तैयारी करें। तो सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की भी मोर देन 100 में सीट्स आ रही हैं, उनकी भी तैयारी करें। तो ये आपको खबर सुबह सुबह पहुंच गई। बहुत सारे मेरे वेल विशर हैं जो कि मुझसे पहले अखबार पढ़ लेते हैं, उनमें एक मुराद साहब हैं लाहौर के। तो मुराद ने ये आज कमाल किया कि सुबह सुबह मुझे जगाया और बताया कि ये सीट्स आए हैं। ही इज़ ए यंग इंजीनियर एंड इज़ सर्चिंग फॉर गुड पोस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे। तो माय डियर वेल विशर, इस अच्छी खबर के साथ मैं आपसे फ़िलहाल इजाज़त ले रहा हूँ। कुछ और सीट्स भी हैं, अगर उनके बारे में आज पता चलता है तो मैं शाम को या कल फिर आपके सामने आ जाऊँगा। मैं आमतौर पर 1-2 दिन के बाद आता हूँ, लेकिन जब आपको मेरी ज़रूरत होती है, मुझे महसूस होती है या आपको, तो मैं आपके साथ होता हूँ। तो माय डियर वेल विशर, आखिर में यही आपको देना है, दस देना है, आज का यही लेसन है कि कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी है उसे पॉजिटिव रखें, आपके गुनाहों की तादाद बहुत कम हो, और आप जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाएं। मुश्किलात आती रहती हैं, उसमें घबराना नहीं है आपने, क्योंकि इंसान में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियाँ रखी हैं, तो आप भी उन्हीं खूबियों के मालिक हैं, तो आप उन खूबियों को अडॉप्ट करें, तो इंशाल्लाह कामयाब है, कामयाबी ठहरेंगे।
ये एक और मेरा फेवरेट शेर है जो आपकी नज़र करता हूँ। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मकाबल आ जाए, हर चीज़ मकाबल आ जाए, मंजिल की तरफ दो गाम बढ़ूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो मंजिलें आ जाती हैं उन लोगों के लिए हु आर ग्रेट, हु आर वर्किंग हार्ड एंड हु आर विद फुल कॉन्फिडेंस, और उन्होंने अपने काम अल्लाह के लिए छोड़ दिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात, अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से ही वो सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। मेरी तस्वीर शायद कोई डिम हो गई लेकिन मेरी बातें आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, वो पहुँच रही हैं। तो फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।